आप जबरन कराओगे? वो बहन जी का ऊपर डिपेंड है, ट्वीट नहीं किया ये नहीं किया बहन जी। आप अच्छा एक बात बताइए, क्या आप अपनी बराबरी बहन जी से करेंगे? बहन जी से थोड़ी बार, वो चार बार के मुख्यमंत्री, आप अभी MLA भी नहीं बने हो, आपके ऊपर क्यों मतलब बहन जी करेंगी भाई? वो आप ऐसा क्यों आप अपने स्तर को बहन जी से नापने की बात कर रहे हो? वो गलत है। आप एक इंसान जो है ना, आप बहन जी से आप कंपेयर ना करो। ऐसा तो ये भी कह सकते हो मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया, योगी जी ने ट्वीट नहीं किया, किसी भी नेता ने ट्वीट नहीं किया। भाई इतने इतने बड़े नेता नहीं हो आप अभी, इतने बड़े अभी हमारे समाज में इतने बड़े नेता नहीं हो, पर आपके साथ जो घटना घटी है वो हमारे, हमें दुख है उस बात का, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए BJP सरकार, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल। कहना बहन जी ने ट्वीट नहीं, बहन जी क्या ट्वीट करेंगी भाई? बहन जी का क्या लेना देना हर चीज़ में? बहन जी को तुम अपनी लड़ाई लड़ो, अपनी अपने वर्चस्व कायम करो, लड़ो बहन जी की तरह जैसे बहन जी लड़ी थी। आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का तो जमीन आसमान का अंतर है भैया, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज़ाद समाज पार्टी तो 0.01 पे मान लो सकते हो तुम बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षा में। बहन जी ने अपना नाम मुकाम किया, बहन जी ने संगठन खड़ा किया, देश में नाम किया, बाबा साहब के नाम को लेकर चलनी है बहन जी की, तो पैर की धोबन ना हो तुम यार, क्या बात कर दियो। वो हमारी आदर्श नेता है बहन जी। और रही जितने भी दलित नेता हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ें, बहन जी के ऊपर हाथ ना उठाएं, उंगली ना उठाएं, अच्छा नहीं होने का है, बहुत गलत हो जाएगा ये। बहन कुमारी मायावती जी के हम आदर्श नेता मानते हैं, BSP हमारे खून में है, हमारे सांस में है, हमारी धड़कन में है, हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है। और बहन हमारी हमेशा बहन कुमारी मायावती जी हमें आदर्श नेता रहेंगी, रहें और रहेंगी जब तक बहन जी हैं। बहन जी का पूरे देश में जो काफिला है, बहन जी के जो पद हैं, बहन जी का जो स्ट्रक्चर है, बहन जी के जो जिला वो हैं कार्यालय हैं, हर स्टेट में कार्यालय हैं, कितनी गाड़ियां हैं, लश्कर है, चार बार के मुख्यमंत्री हैं, कितने मंत्री हैं। और बहन जी जहां मोदी और योगी जैसे सलूट मारते हो, बहन जी को सलाम मारते हो चंद्रशेखर से, तुम यार आप इस तरह के क्वेश्चन पूछो, क्योंकि बहन जी से चंद्रशेखर का कोई मुकाबला नहीं है। ना तो देखो भीम आर्मी में, ना हम आजाद समाज पार्टी में, हम BSP के कार्यकर्ता हैं। बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श नेता हैं, हम BSP के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। हमारी ना, हम वोट भी देंगे तो बहुजन समाज पार्टी को देंगे हम, इस ये मतलब नहीं, वो हमारे समाज का बंदा है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो हुआ, हमारी जो वो हैं वेदनाएं हैं, हमारी आहत हुई है, ईगो ही हर्ट हुई है हमारी, क्योंकि वो भी समाज का काम कर रहा है, बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, काशीराम साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आखिरकार कर तो रहे हैं। 10 लाख संगठन हैं SC ST के नाम पर, एक उनमें से वो भी हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो आदमी काम कर रहा है, समाज का काम कर रहा है, या जो सामाजिक दर्पण है उसको दिखाने का काम कर रहा है, समाज में जो ऊंच नीच छुआछात मार पिटाई घटनाएं जो हो रही हैं उनको जब मीडिया नहीं दिखा पाती, तो ऐसे लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, लोगों को पता लगता है, तो इस तरह की आवाज़ को दबाने का जो काम किया जा रहा है वो हमें दुख है। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रशेखर भाई पर जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं हमको भय में लाने का काम किया जा रहा है, दलित लोगों को भय में लाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह जब बहन जी, उस समय जब बहन जी का वर्चस्व था, बहन जी का नाम जो ऊपर था, तो गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था बहन जी के साथ, बहन जी को मारने के लिए उस समय जो लोगों ने प्लानिंग बनाई थी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उन पर हमला किया था, बहन जी के साथ भी ऐसे हमला किया था। तो जो भी नेता हमारा बना है, जो भी हमारे समाज का रहा, उस पर कहीं ना कहीं अटैक जरूर हुआ है, वो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मनुवादी ताकतों का सामना कर ऊपर आ रहा है। लेकिन मैं इस जो इंसिडेंट हुआ है इसकी घोर निंदा करता हूँ, जो नहीं होना चाहिए। मैं इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी BJP की गवर्नमेंट के ऊपर देता हूँ कि BJP की सरकार, आदित्य योगीनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक तरफ ये दावा करते हैं कि हमने गुंडों को सफाया करा दिया, गुंडों को एनकाउंटर करा दिया, या गुंडे अब सड़क पर नहीं हैं, और इतना बढ़िया हम न्याय दे रहे हैं, इतनी बढ़िया सरकार दे रहे हैं, लोग रात के 12 बजे भी घूम सकते हैं, तो ये क्या हुआ? मतलब फिर चंद्रशेखर भाई पर कैसे अटैक हुआ? इसका मतलब ये कि आपके जो दावे हैं वो खोखले हैं। साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों ये मैं इस जो हुआ है उन पर उसकी घोरनीय निंदा करता हूँ, और जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अपने समाज के भाई हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं, अपनी पार्टी बना रखी है, अपने सामाजिक संगठन है भीम आर्मी, उन्होंने भीम आर्मी बनाई, फिर आज़ाद समाज पार्टी बनाई, और समाज का काम कर रहे हैं, जहाँ दबे कुचले और बेचारे मजलूम लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है वहाँ जाकर आवाज़ उठाते हैं उनकी, उनके FIR दर्ज कराने का काम करते हैं। अच्छा काम है, हमारे समाज के हैं, और जितने भी दलित नेता हैं उनमें से भी एक नेता हैं, वो भी नेता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनके साथ हुआ है वो वास्तव में बहुत बुरा हुआ, सरकार को उस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है।
और उन्हें जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करता हूँ मैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा दर्ज जल्दी से जल्दी ट्रायल करके और उन्हें सजा दी जाए जिन्होंने उनके खिलाफ में या उन पर जो हमला किया। देवबंद में वो कहीं से लौट रहे थे, मैंने जिस तरह से देखा है, मैंने पढ़ा है, तो देवबंद में लौटते हुए उन पर हमला किया गया। तो इसका मतलब ये है कि एक बढ़ते हुए नेता की जो वर्चस्व है, जो उनकी इज्जत है, जो लोगों के दिलों में और दिमाग में जो उनका जो उस समय अपोजिट पार्टी के खौफ है, तो ऐसा लगता है कि जो अपोजिट पार्टियां हैं वो सहन नहीं कर पा रही हैं। वो ही नहीं, जितने भी हमारे समाज के दलित समाज में, बहुजन समाज में या मुस्लिम समाज में जो भी नेता पैदा होता है, ये दूसरे जितने भी लोग हैं, खासकर हिंदूवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग, उन्हें धमकी भी दी गई है। पीछे मैंने देखा था एक धमकी दे रहा था कोई ठाकुर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्हें पछता नहीं है कि इस समाज से कोई इन लोगों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ ना उठाएं। भाई वो कोई नेता नहीं है, आप जानते हो कोई एमपी हो कहीं के, एमएलए हो या कहीं कोई उनका पद हो, भाई एक संगठन बना रखा है, पार्टी रजिस्टर्ड करा रखी है, लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, जगह जगह जाते हैं पूरे देश में जहाँ आवाज़ उठाने का, जो सरकारें हमारे लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रही हैं, जो नेता हमारे समाज के या जो एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, वो हमारी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में चलाने में नाकाम रही है, गुंडों के हौसले ऊपर आ रहे हैं आए दिन, तभी उन पर उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई है। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो तो मूछ मूछ में अंटा देते हैं, हथियार लहराते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट लिखते हैं और पूरे देश में घूमते हैं मदद करने के लिए, वो भीम आर्मी चलाते हैं, तो फिर उनकी जो ताकत कहाँ चली गई है? वो बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। आप ये जो सवाल जो कर रहे हैं, वो मूछों में अंटा देना या हथियार लहलाना, एक बहुत बड़ा संगठन है उसका, जिस संगठन का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। भीम आर्मी एक बहुत बड़ा, बाबा साहब के नाम पर, भीम का मतलब बाबा साहब, वो एक आर्मी है पूरे देश में। 28 के चीफ पर गोली बरसा दी गई है, 28 राज्यों में उनका संगठन चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी भीम आर्मी में मैं कह रहा हूँ कई लाख लोग हैं जो मेंबर हैं। उसके बाद में उनका जो संबंध है वो राजनीतिक भी है। आप देख रहे हो अखिलेश के साथ उठ बैठ है, या अजीत सिंह के जो बेटे हैं उनके साथ उनकी उठ बैठ है, पॉलिटिकल उनका कैरियर जो स्टार्ट हो रहा है, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। क्या राजनीतिक स्टंट है ये फायरिंग? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि राजनीतिक स्टंट है। ऐसा हो सकता है कि 2024 में डराने के लिए उन पर फायरिंग की गई हो या मारने की कोशिश की गई हो कि हमारी वोट काटेंगे, बीजेपी वाले परेशान हो। विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल रहे हैं? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन हाँ ये जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा लेना चाहते हैं सरकारी। नहीं, सरकार का ये तो कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि यदि कोई भी आदमी जो, अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी के नेता हैं जो छटपुट के नेता हैं, जो गली गली में रहते हैं, जो भड़काने का काम करते हैं, हिंदूवादी संगठन से हैं, या उनके मतलब चीफों को या उनके छोटे मोटे नेताओं को तो गिरफ्तारी दे सकते हैं। आप दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनको दे सकते हैं, कंगना राणत को दे सकते हैं, ठीक है ना, और सबको दे सकते हैं, तो चंद्रशेखर को क्यों नहीं दे सकते? ये हर नागरिक की सेफ्टी की जिम्मेदारी है सरकार की, वो उन्हीं को ना, यदि जिस पर भी हमला होता है उसकी सेफ्टी करेगी सरकार। ऐसा नहीं है कि वो, आपने कहा कि ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी लेने की वजह से, सिक्योरिटी लेने की वजह से नहीं, सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी सरकार को, हर आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, फिर सरकार का काम क्या रहेगा? आप जहां वादे कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में लोगों पर अटैक नहीं होंगे, लोग सही रहेंगे, लोगों के न्याय दिया जाएगा, लोग कहीं घूम सकते हैं, तो ये क्या हुआ? अतीक के साथ क्या हुआ था? वो भी भीड़ में थे ना, 3 लड़के आए और उन्हें ठोक कर चले गए, क्या हुआ अतीक के साथ? पीछे अतीक के साथ क्या हुआ, या फिर और कई एनकाउंटर हुए हैं जो पब्लिक ने किए? तो गाड़ियों काफले लेकर चलते हैं? नहीं, बिल्कुल चलते हैं, ऐसा नहीं है कि गाड़ियों के काफले में लोगों पर गोली नहीं चलाई जा सकती, सब कुछ हो सकता है। जब आदमी मारने पर आते हैं या प्लानिंग किसी को मारने की आते हैं तो कुछ भी कर सकता है भाई, ऐसा नहीं है क्या? काफिला लेकर हथियार थोड़ी है। 50 लाख का राजेंद्र पाल गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री थे पूर्व यहाँ पर दिल्ली में, अब विधायक हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की बात कही थी, तो उस बात पर एक अयोध्या के परमहंस हैं, उन्होंने 50 लाख रुपए उनका सर काटने की बात करी थी।
आप बताइए। तो जो जितने भी एससी के नेता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या एक्टिविस्ट हैं, उनको इस तरह थोड़ी मरने दिया जाएगा। ये गलत है बिल्कुल, पूरी तरह से। इसकी पूरी तरह से बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है। वहाँ के एसएसपी को उस समय पहले ही उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। बिल्कुल दलितों, अब दलित समझ नहीं रहे, दलित पढ़ लिख चुका है, दलित आज की डेट में कई लाख ग्रेजुएट दलित हैं, करोड़ों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, वो चाल को समझते हैं। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे थे कि भाई कहीं खुद का किया हुआ स्टैंड तो नहीं है, पॉलिटिकल स्टैंड तो नहीं है। ऐसा क्यों भाई, वो तो पहले से अपना राजनीति कर रहे हैं, तो पहले से होना चाहिए। लेकिन वकील साहब, जो योगी जी तो कहते हैं कि जैसे ही बदमाश कोई घटना करता है उसको अगले ही चौराहे पर ठोक दिया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। उन चारों को पकड़ लिया गया है जो उनकी सरकार कह रही है कि हाँ भी हमने पकड़ लिया है, इंक्वायरी चल रही है, ठीक है पकड़ लिया। लेकिन आप बताइए कि ऐसा हुआ क्यों, आपका नुकसान क्या हो रहा था? एक भाई चंद्रशेखर आज़ाद से आपका नुकसान क्या था? भाई चंद्रशेखर आज़ाद के पास कोई एमपी हो, एमएलए हो, सरकार को गिराने का काम कर रहे हो, या इतना बड़ा वर्चस्व हो, या इतने कई करोड़ उनकी वो हो, कोई फैन फॉलोइंग, या मतलब मैं कहता हूँ कि वोट हो, आप वोट में भी देख चुके होंगे 100-100, 200-200, 50-50 वोट आई थी पीछे, तो इतने बड़े कोई राजनीतिक वर्चस्व तो कायम हुआ नहीं है कि मानो विधानसभा या लोकसभा पलट कर रख देंगे वो। तो ये तो खामोखा की बातें हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जो चंद्रशेखर पर हमला करके ये खामोखा उनका पब्लिसिटी और करवा दी है, खामोखा मैं ये कह रहा हूँ। बदमाश ने भी करी है, उसने कमीने ने गलत काम किया है, उसे गोली मारने का क्या मतलब है भाई? इससे तो और ज्यादा पब्लिसिटी बढ़ जाएगी चंद्रशेखर आजाद जी की। जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जिनका नाम और ज्यादा बढ़ जाएगा, उन पर हमला भी हुआ था। ये आज क्या हो रहा है, आज सारे समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा था, समाचार में, न्यूज में, यूट्यूब पे, आप जैसे सब बात कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम जवान जवान पे और ला दिया तुमने ऐसे करके, वो तो तुमको और ज्यादा नुकसान करेंगे, बीजेपी की वोट काटेंगे, बीजेपी की सीट गिराएंगे, सब कुछ करेंगे। तो भाई आने वाले समय में तो पर जो उनके साथ हुआ है, हम उनके दर्द में शामिल हैं, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी जो है थोड़ी बीएसपी डाउन हो जाएगी और जो आजाद समाज पार्टी वो भर के आएगी। अरे क्या बात कर रहे हो यार, बाल उखाड़ने से मुर्दे कमजोर थोड़ी होता है, तुम कैसी बात कर रहे हो भाई? ना उसको इसलिए ना उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी काम होगा। भाई उठाना तो चंद्रशेखर भाई को ऊपर है, तीसरे दूसरे आदमी को कोई हीरो बनाया जा? आप बताइए, जिस पार्टी में एक ही सर्वे सर्वा आदमी हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऑल इन ऑल मैं ही हूँ मेरी, तो भैया उसी को तो ले आएंगे। वो मर भी जाता तो कोई एक गोली में तो दूसरा तो उसे जब भी ना दिखाते, बस ये होता है एक मर गया पर भाई को घायल करके वही दिखा रहे हैं सारे, या कार में गोली के निशान दिखाई दे रहे हैं। हमला हुआ है, ये बात सही है, हमला हुआ है, वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। मुझे दुख है कि हमारे समाज के एक नेता पर हमला हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, हमें इस बात का दुख है। सरकार को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। मैं सुरक्षा की मांग करता हूँ पूरी तरह से, इस आदमी को सुरक्षा दी जाए। वो आने वाले समय में नेता बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन अपने समाज की बात उठा रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, बुद्ध भगवान के मिशन को लेकर चल रहे हैं, संत रविदास के, महापुरुषों को लेकर चल रहे हैं, काशीराम जी के उसको मिशन को लेकर चल रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हमारे भाई नहीं, भाई हैं। एक ही समाज में बहुत सारे नेता हैं, बहुत नेता हैं अपने समाज के, दलितों के जितने भी नेता हैं आज की डेट में हमारे देश में, हाँ। वो सारे के सारे बहन जी को गाली देते हैं, वो उसको कहते हैं कि हमारे लिए ट्वीट नहीं करनी है, वो हमेशा बहन जी का नाम लेकर के क्या राजनीति चमकाना चाहते हैं? ये उनकी छोटी मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है, उनकी अशिक्षितता है। वो अभी जाके पूर्वजों से कुछ सीखें, समाज में सीखें, कुछ गुण लें। बहन जी पर उंगली उठाने से पहले मैं इस बात का ऑब्जेक्शन करता हूँ कि आप में बिल्कुल भी अकल नहीं है, मूर्ख हो आप यदि इस तरह की बहन जी के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। बहन जी के बारे में आप क्या जाने? बहन जी ने पूरा जीवन दे दिया, बहन जी ने शादी नहीं करी, बहन जी का अपना कोई परिवार नहीं, बहन जी ने पूरी जिंदगी दे दी। कितनी बार मौत से बहन जी खेली है, कितने मुकदमे बहन जी पे हुए। बहन जी इस समय एक आदर्श नेता है बीएसपी की। जब तक बीएसपी जिंदा है, बहन जी जिंदा है, बीएसपी जिंदा है, मैं ये कहने का मतलब है। तो मैं बहन जी की आयु की कामना करता हूँ कि 100 साल कम से कम जिए बहन जी। बहन जी का मुकाबला नहीं है पूरे देश में, एससी तो छोड़ो, मैं जनरल नेताओं की बात कर रहा हूँ, योगी मोदी जी की बात कर रहा हूँ, उनकी भी वो भी टक्कर नहीं ले सकते बहन जी से। बहन जी में वो खासियत है, बहन जी वो आदर्श नेता है। बहन जी चुप रहती है, एक ट्वीट भी कर देती है ना बहन जी, उस ट्वीट पर हंगामा हो जाता है। बहन जी जिस दिन रोड पर निकल गई ना, यहाँ देश में जाम लगा देंगी बहन जी। बहन जी वो चीज़ है, बहन जी की ताकत की तुम्हें पता नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री ने बहन जी के शासनकाल में, मैं सलूट करता हूँ बहन कुमारी मायावती को, जो 5 साल के शासनकाल में 50 साल का काम बहन जी ने कर दिखाया। क्या करेंगे? और जितने भी हमारे समाज के जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो केवल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो पर्सनल सौहार्द के लिए कर रहे हैं, वो जनता को दबाने का काम कर रहे हैं, FIR लॉन्च करा रहे हैं लोगों पर खामोखा की, वो अपने नाम को ऊपर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।